जैसी सूरत को उदली है ओ, जैसी सूरत को उदली है, बहना साची दिए बताए तब हंस के उदल बोलन लागे, फुलवा सुन ले अर्ज हमारे, मेरी ये सूरत मेरी ये मूरत लोहरो देव कुमार को लाल, तुम जा जनियो मन अपने में बैठी पास उदय सिंह लाल। ध्यान रखना बात पूरी कह दी मगर फुलवा को यही पता नहीं कि नाटक क्या है। बात बदल के फुलबा बोली, बहनों तीन ते कही थी सुनाए कह, चौसर खिल जाए अजो अट्टा पे, देखे को जीते अजो हाले। और हम जीते तो जान न दिए, हारे चले संग तुम्हारे, और मिले महोबे में जब उदल बासों दी जो भमरिया डारे। चौसर बिछ गई सत खंडा पे, बैठो देव कुमार को लाल, और काने तीन परे फुलवा के उदल लीनी पिसार उठाए। देव कली नर क्यार कै पास फेंके दे उदल ने बारे आज गिरे लहराए। और झपट कलाई लई फुलवा की, उदल कहन लगो हर साहेब, और जल्दी चलियो गढ़ महुवे में देवर की जपनो अवनारी। बिगड़ गए तब फुलवा के लीली लार पेट ना जाए, और लई बिजनिया मोर पंख की, और बहनों तिन कई सुनाए, और लेटो बहना रतन पलंग पे भोरे चले महोवे गाम, और उदल सोवे रतन पलंग पे फुलवा चकर करे बियार, और चले पछैया और पुरवैया थम थम चले बमोरा व्यार, उड़ो घागरो जब उदल को बहन जांगिया लखो अंगार, और हाथ फेंक दो जब फुलबाने खाली गहने लई निकार, और साची जान लई फुलबाने जू देवे को राजकुमार, और रसा ले के आज फुलबाने बांधो दस राज को लाल, और हाथ कटारी फुलबा ले के लंबी जबर दई ललकार, और भजन बचियो गढ़ महुवे में यो देवे के राजकुमार, और उदल जानी मन अपने में हुई तो गई गजब की बात, हम जाए बाड़े ते महुवे के मटिया परी विदेश न आए, और बदन कसो पलिंगा पे देखो उदल गौ सना को खाए, और तमको उदल जब पलिंगा पे रस्ता ठूक ठूक उड़ जाए, और दई ललकार आज फुलवा को बिटिया सोनो बघेले राय। तुम फुलवा लो मकरंदी को कैसो नाहर विरन तुम्हारे, मेरो नाय बैंदुला बूढ़ो पर गौ नाय बलुखाई गई तलवारी, हम मार दे तेरे भैया को जावे लासम होवे प्यारे। और मरे की सुन के आला मल के मुहरम बांध आवे तलवारे, और खुद हवेली खाइन कर दे पक्को तालु दिए बनवारे, फुलवा बोलन लागी परम सने पिया हमारी,
मिल करी मस करी ती अट्टा पे ओ देवे के राजकुमारे औरी बहनारी फुलवा अपनी बांदी से बोली औरी बहनारी आज रसीलो घर में आए गयो है जैसे होले होले लिए बतराई औरी सुन कुइया आज छबीलो घर में आए गयो है जैसे होले होले लिए बतराई औरी मेरी बहना आप मेरे नौजवान साथियों इधर जैसे ही फुलवानी उदल को पहचाना है तो उदल के गले में बहिया डाल के फुलवा बोली पिया मेरी एक बात सुन ले आज फुलवा रानी परम सियानी गले में बहिया दईती डारी और हिलकिया भर भर रोवन लागी मोती मलती राजकुमारी मेरी क्यों सुध बिसराई प्रीतम ने कमो को साची दियो बताए हम रस्सा डाल दे अट्टा से और भज चलो भोरारी राती और भारी भैया है मकरंदी लड़के जीतो न पिया हमारे और गढ़ महुबे की जाय गलियन में प्रीतम लियो भमरिया डारी मेरे बाह बखोरन ना घुन लागो ना बल खाई गई थी तलवारी और जब तक कंधे पेरे सिर रही है बज है मोहरम पेरे तलवार लाल भराई तिले की दुलियाली है पद्मिनी नारी आंखों में आंसू लेकर फुलवा बोली किया हमें तुम्हारी बात में कोई विश्वास नहीं दूदल बोले क्यों तो जवाब दो सुनो हम मानो जन्मी जम्मे घर में बेजमा पड़ो तो नाम हमारे और जुगिया बन के उदल पहुंचे बाई मानो केरे मैदान मैंने भेद बताई दो मानो को सबरो को रमा दो मरवाए और तो आस भैया न पूरी मड़े ते डारो तो हमको मारे और वीर मल्हारो सिर सावालो मालो हतो मरद मलखाने जब हम मरन लगी ती मड़े ते तो तुम रोए ते आंसू डारे हम बोली थी तब उदल से परम सनेई पिया हमारी और रोए ते प्रीतम कछु नाय मिलिए हिम्मत बांधो सासु के लाल मैं जन्मू जाय के गढ़ मोहरम में फुलवा बजी है नाम हमारे तुम काबुल जाओ खरीदन घोड़ा बीच में हुई है भेंट हमारे आस लगाए हम बैठी थी सो दिन गौ तो मूढ़ पे आए अब देर करन को मौका नहीं महुबे को जलद हो तैयारी गंगा खाई तब उदल ने बाई नरवर केर में
महीना की मोहलत दे दू बाद मिलिए भमरिया डारी। इन्हीं बात न के रया रसा में रविन दई ती किरण पसार कैलू और उदल उठ गए अट्टा पैसे तोलो मालिन गई भेराई। उदल पहुंचे फूल बाग में तब ढेवा ते कही सुनाई कैलू और करो तैयारी अब चल बेगी वो उरही के सरदार। सोले खच्चर भरी या सरपी शमोहरम में दई गमाए और ढेबा बोले तब उदल से ओ ढेबा बोले तब उदल से ओ देवे के राजकुमार और पूछे हिसाब जब राजा परमाले तब का दियो जवाब सुनाई सोई। उदल बोले तब ढेबा से दादा पन्या परे तुम्हारे पन बीमार पड़े पीनस में तो ले चलो महो बेगाम। सोले खच्चर माफ करावे सोले और ले भरवाए तब हम बोले मंडली जैसे दादा पन्या परे तुम्हारे। नौजवान साथियों उदल बीमार बनकर पीनस में लेट गया। जिस वक्त ढेबा उदल को लेकर महोबे में आया है घर घर में ये खबर फैल गई। काबुल गए खरीदन घोड़ा भय बीमार उदय सिंह लाल और दशा देख के रन बंका की देवे ने छोड़ दई डिडकार। मेरे बिगड़ बुढ़ापो गौ दुनिया में बेड़ा कौन लगा व्यापार और आल्हा आई गए ड्यूढ़ में रोबत देव कुंवर के लाली। और खबरें हो गई सब महुबे में क्या बीमार उदय सिंह लाल और रैयत रोबे पर माले की अब हम कौन दे सकूं जाए। और राजा परमाले मलहना बत पहुंची दस पुरवा में जाए। जर के बेटा मंडली कन म्यान से खेच लई तलवारी। और जर के बोलो परमाले से राजा महुबे के सरदारी और नेक बदी उदल को हो गई हम ब्रह्मा को दिए मरवारी। और कोखित जन्म लो देवे के पालो हतो मलहंदे नार और काकु प्यार हतो मोयूदल बेटा सुन ले अर्ज हमारे। तब ढेबा बोले परमाले से राजा सुनियो अर्ज हमारे। हम सोले खिचर भरिया सरपी सब बेदन को दई खबाए और नया राम भौदल को है बीमार लोहरवा भाई। और तब पर माले बोलन लागे ढेबा उरही के सरदार हम सोले खिचर माफ कराई सोले और ले भरवाए। काऊ धब से बेटा उदल को ढेबा तुम लियो बचाए। और सुनी बतकई परमाले की पलगा भे मंद मनम सिकिया है और उदल सोचे मन अपने में कर दई माँ फुरजा परमाले।
तो नौजवानों पूरे 10 बुरमा में तहलका मचा है। इधर मंडलीक ने पत्र भेजकर सिरसा से मलखान को बुला लिया। जब मलखान की रानी गजमोतिन उदल के पास आई, नवज को पकड़ो राम सर, नवज तनाटन बोले लेकिन उदल आंखें न खोले। रानी गजमोतिन ने क्या किया, देवी शारदा की रे मठिया में रच दो हवन रे पद्मिनिया नार, अरे आभा बोली ती जगदम्बा की गाय को सोबत में दौरी जगाए। पैया मैं परू तुम्हार, काबुल गए ते खरीदन घोड़ा भय बीमार रे उदय सिंह लाल, उदल मर जा मैं दस पुरबा में आला पेट रे फाल मर जाए, के गम में मेरो पिया मल्हारो अपने हनिये जा बजुर कटार, कौन सी मरज है मेरे दिवरा को मैया सांची मोई दीजे बताए। तब हंस के शारदा बोलन लागी, बिटिया सुन ले तू अरजऊ हमारी, काबुल गए ते खरीदन घोड़ा रुक गए नरवर के अरी मैदान, घोड़ी खरीदी नरबरगढ़ में राजा मोती मल के द्वार, नैन कटारी की अरी बीमारी लगी फुलवा के महल रे मझार, फुलबा प्यारी के देख नहीं तमें उदल डारी है ना करी छेदार, एक महीना कोई न को बायदा है के बसुलिये भमरिया जे डार, सो ढोंग जे करे रन बंका नाई बीमार जूदे सिंह लाल, नौजवानों इधर जैसे ही गजमोत ने सुना है एकदम लौट कर जब उदल के पास आई, दोसाला को झटक दिया और आंखों में खून के कतरे लेकर बोली, हो उदल यू नकटोरो हमें तुम्हारा कतई पसंद न है, तेरे बाह बखोरन में का घुन लग गयो काबल खाए रे गई तलवार, अरे फुलबा प्यारी के देख नहीं त दिवरा बन गए मर्द से तुम नार, हम अब है बोला में के पिया अपने को कोड़न सोले बेखाल उखचाए, तब कप गई पिंडुरिया रन बंका की धधका लगो है करे दम जाए, सोई उठ किया बैठ गौरे पलिंग
कुम्हार मैंने वायदा करो फुलबा से मेरी मर्यादा है तुम्हारे हाथ कटारी रे मार तब गजराज सुता हसी बोली दिवरा सुनियो बना फरलाल खान को लौरे बुलबाल खास बंद त्यार अब बीमार है सैया पैया में पर जाओ तुम्हार आज बचा ले तुम दल को ओ सासुल के राजकुमार मलिके बोले के गज मोतिन से मेरे प्राण रहे चाहे जाए प्राण जो देखे के उदल बच जाए तो हम शीश को करें छार तब गज मोतिन बा बोलन लागी स्वामी सुन ले वो अर्ज हमार रामे में कछु घामो नाई उनको फेर रे देव व्यवहार उनने बिहाव तुम्हारो कराओ तुम उदल को जो ले वो बिहार करो बहानो हतोरे काबुल को फुलबा देखी ती महल मझार एक महीना को वायदा करके भय बीमार रे उदय सिंह लाल उठो तो भरा रखा दोनों भैया जा मिल के भेटे आंगन हंस रहे थे भुजारे पसार जैसे ही मलखान सिंह ने उदल को इस बात के लिए तैयार किया है कि मैं गंगा की सौगंध खाकर कहता हूं अगर मैंने अपनी माँ का दूध पिया है तो नरवर के मैदान में जाकर हम तेरी शादी फुलबा के साथ करेंगे लेकिन पलंग से उठ उसी वक्त उदल उठकर मलखान को साथ में लेकर ये राजा परमाल की सभा में गए हैं और खुले शब्दों में ये जवाब दिया है कि हमें उदल की शादी करने के लिए फौजों की जरूरत है और मोहरमगढ़ में मोतीमल के दरवाजे पर हमें युद्ध होने की भी शंका है इसलिए फौजें तो ले चलना जरूरी है। राजा परमाल ने इनकार भी किया लेकिन मलखान ने नहीं माना। ये जब बारात लेकर चले हैं तो आला का लड़का इंदल बारात में चलने के लिए मचल गया। उदल ने कहा बेटा ये बात तो अनरीत की है दुनिया वाले लोग हंसेंगे कि बाप को लड़का विवाहने के लिए जा रहा है। उसी वक्त आला ने जब देखा कि इंदल उदल की बात नहीं मानता है तो गाल में तमाचा दिया। तमाचा खाकर इंदल वहां से चल तो दिया लेकिन बोला आज रोए के इंदल बोलन लागे चाचा सुनो बना फरलाल और मारे तमाचो दो महुबे में यो देवे के राजकुमार हम मर्द सराये दो भैया न को आल्हा उदल राजकुमार और
बिना इंदलसी के मोहरम में जो तुम ले वो हमारिया डारी मधुर बचन उदल हस बोलो इंदल सुन ले अर्ज हमारी और तुम्हें हसुआ को डर नहीं बेटा सुनो परे ना लाल गए और दुनिया हसे आज शादी में के बाप को पुत्र बिहावन जाई अब समझाए लाल पीछे बगदाओ है भैया ऐसे अब समझाए कुमर पीछे लौटाओ है मेरे नौजवान साथियों बामनगढ़ के नरेशों को साथ में लेकर ये सभी महोबे वाले जवान मोहर्रम में पहुंचे हैं। रात्रि भर इन्होंने अपने शिविर में आराम किया और सुबह ही राजा परमाल के अधीन जो आला थे इन्होंने तंबू में वीरा डाल दिया और ये जवाब दिया जो सबसे पहले शादी की सूचना राजा मोतीमल को करेगा उसे मैं 5 गांव इनाम दूंगा। लेकिन हुआ क्या लोगों, आज 5 घरियां बीरा को हो गई बाकी अपान गए थे कुमिला भारी राजा मोती अमल है जाकी अब विकट चलत तलवारी कोई कोई चल दे जंगल झाड़े कोई कोई चले ते कुठरिया नु जाए सुन सान बंगला में जो हो गई नहीं मसो तलक भन्नाई और आल्हा गरजे जब दंगल में घन गरज गरज रह जाए जा बीरा पे पथरा पड़ गए अब का हम गहरे तलवार लाखन राना है मर्दाना दानादार खनौजी राय उठ के लाखन ठाड़े हुई गए तब सैयद ने कही थी सुनाए जे तो कम नाई बारी के सुनियो कुंवर कनौजी राय लाखन बैठ गए ते तमुआ में सुन सन बंगला में जो हुई गई तब आल्हा ने कई थी सुना गए ए रूपन बारी को तेरो है जो है नाई महोवे क्यारी मोहरम को हो तैयार सोई रोए के नाई बोलन लागो आला मंडली गयो तार और जाले अपनी चूरा साकर जाले उधरिया ढाल तलवार और हम मर जावे बा मोहरम में घर घर नायन फिरे हमारे मेरे बारे भटकिए गड़ महुवे में कोई अवनी रुपए भैया ना है आला जर गए तेरे तमुअन में तच रूपन ते कही थी सुनाए मलमल मारिया ती महुवे में अब प्राणन को करत बचाओ गई आला की बोलो मंडली कयो तारी
छोड़ियो जो ने गिन पे इज्जत घटे बना फरलाली। और उदल भैया की ये पन हमें अब महुवे में दिए रे पहुंचाई। सोई रूपन बोले तब ढेबा से हम चलबे को तैयारी। और घोड़ा पे दुला उदल बालो उदल बाली ढाल तलवार। और जल्दी दे दो हमको आला हम मोहरम को हो तैयार। और ढेवा रूपन दोनों चल दे पहुंचे मोती मल के द्वार। और मोती मल की आज बैठक में तबला ठुमक ठुमक रह जाए। और हाथ उठाओ जब ढेवा ने तबला ठुकत बंद हो जाए। और चढ़े बाज पे देखो जवानन भड़ुआ भज गए फाड़ कनाक। और भर 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 भजी पतुरिया मरदो सुनियो अरज हमारे। खून के कतरे लेकर राजा मोतीमल बोला नालायक को तुम्हारी इतनी औकात। बोलो कहां से आए तुम। एकदम ढेवा कहने लगा तुम्हें नहीं पता है। और नगर महोबो एक बस्ती है जहां पे राज करत परमाल। और उनके नौकर आला उदल जिनकी विषम बजे तलवारी। सुनत खनकर महुबे को राजा फूल बम हुई जाए। और बिटिया जन्मी पर माले की मोघर टीका दो चढ़ाए। तब हंस के ढेवा बोलन लागो राजा सुन ले अर्ज हमारे। और बिटिया जन्मे ना महुबे में उन घर से रले तयोता। और आला को भैया छोटो उदल मोहरम बांध किया तलवारी। और उदल ब्याहन को हम आए राजा सुन ले अर्ज हमार कई। और कहां पे एपन हम धर देवे हमको दीजो ठोर बताई। किसानी सूखी गई कलेजा चाट। और हुकुम फेर द मोती मल ने मारो आज जवान सरदार। और उठे सिपाही मोहरम वाले ले ले हाथ ढाल तलवार। और तेगा चटके पर दबान को चटके चित्त सूर मन क्यार। और कल्ला ठोको रस बेंदुल को रूपन कूद भाव सवार। और ढेवा रूपन दोनों रूरे जैसे लाई करे किसान। और धरे हरैया जब पूरब ते और पश्चिम में देवे लगाए। और धरे हरैया जब उत्तर ते दूर दक्षिण में देवे लगाए। और जितने छत्री मोहरम वाले ढेवा काट करे आप। इधर जैसे ढेवा रूपन मोतीमल के दरवाजे पर ये शादी का संदेश देकर लौटे हैं, इधर राजा मोतीमल के हृदय में हलचल मच गई कि जिनके घर में नाई लोग ऐसे बहादुर हैं तो वो छत्री किस तरह के होंगे। और ये बात सच है कि जिनके घर में काम वाले ऐसे हों उनके मालिक कैसे होंगे। इधर ढेबा रूपन जब डेरों में पहुंचे हैं जहां पर आला का शिविर लगा है, जाकर मोतीमल के दरवाजे का सारा हाल कहा। इधर राजा मोतीमल ने महोबे वाले जवानों से लड़ने के लिए अपनी फौज में बीरा डाल दिया तो मोतीमल के छोटे लड़के सूरज ने युद्ध करने का संकल्प किया। और फौजों को सजाकर ये बहादुर लड़का युद्ध के मैदान में उतर आया। और हुआ क्या लोगों, फौजी युद्ध के मैदान में लगा दी और महोबे वालों के लिए खत लिखा। ए पाती लिख रही तीरे सूरज ने और डेरा न कौन दाई थी पठाए कै। और
बाची पाती धड़की छाती गरजो सिरसा को सरदारी। और फिर गर्दना नाहर कैसो चितो सिरसा को मलखान। और फौज साज गई सिरसा वाली पहुंचे खेतन के मैदान। और बंदोबस्त लश्कर को करके बोलो सिरसा को सरदार। और कौन सो लड़का मोती मलको सो निकारे सामने आई। आगे बढ़ते सूरज बेटा लम्बी जबर दई ललकार। और कौन दे सके तुम राजा हो कौन तिलक खेच दो जाई। चंदे लेती अच्छी जात बना फरलाल। और खाली अब हम करो मोहरम की नए घर लाख कुस हो जाई। तज के मलखे बोलन लागे सुनियो कुमर बघेले राई। और दुनिया जानती है मलखे को मैं सुअन को करूं हारी। और जोलो कंधे पे सिर रही है तोलो खेत बजे तलवारी। न डोलिए लेके फुलबा बत की और उदल को दियो गहारी। और जा मैं हीला जो कछ करियो तो कम खती लगे तुम्हारी। ए बातन बातन बतबर हुई गौ राठौर बातन बढ़ गई रार। और रार के ऊपर गारी दे दई गारी दे तबजी तलवार। और भुके सिपाही महुबे बाले लेल हाथ ढाल तलवार। ये तमें फौजे हैं मुहर्रम की ये तमें महुबे के सरदार। और दैया चाल मचो दंगल में कोई काऊ को न दे तो दिखाए। और अल्लाह तो वा करो मुसल्ला हिंदू परो राम से काम। और कोई कोई रोबत है लड़कन को कोई कोई पुरखन को चिल्लाए। और कोई कोई रोबे मृग नैनिन को आज भी गोनो लाए कराए। और मुख नाय देख पाओ दुल्हन को अपनों ने दिखाओ नाय। और पहले सबका मैं आए थे अब घर हुई गौ को सहजार। और जो बच जावे समर खेत ते बच ही और देश में जाए। सूरज बोले हैं मलखे ते सुनियो सिरसा के सरदार। और दुई दुई रुपया के नौकर हैं नाहक डरे हैं मूड़ कटाए। और हम तुम खेले रन खेतन में देखे किन पैरा मुरसाई। और जितनी मारे सूरज की काटी सिरसा के सरदार। और अनी हमारी मैं नहीं बचियो सूरज सुन ले अर्ज हमारी। और घोड़ी बैंदला घोड़ी कबूतर सरगा उड़ाई नहर सिरसा के सरदार। और मने आई गई तब मलखे के मर्दो सुनियो अर्ज हमारी। अच्छा।
जैसे भी हमें तुम को लाए सारे कुंडारो जाने सुमारे। और मारत नए है आज सूरज को कावा दे तो खेत में जाए और पाँव खड़ गए महुबे बाल न के ले ले के भजत पिरान। और खबरे पाई ती उदल ने बिगड़ी यानी जरे मलखान। और घोड़ा बेंदुला को सजबाऊ रन को कंकन धरू तारे। और जलम जलैया दिवला छैया आई गो खेतन के मैदान। और एक बेर के धर के झपटू लो सूरज को सी सौतार। और कट के सी सगिरो धरनी पे लोथ जगिरत खेत में जाए। और अनी बिछल गई मोहरम बाली छत्री भग गए। इधर मोतीमल ने जैसे ये संदेश सुना है तो भैया की धमनियों का गरम गरम लहू बल गया। मकरंद ने जब सुना कि मेरा छोटा भैया युद्ध के मैदान में मर गया तो आप लोग जानते हैं क्या, आज मैया मर गए दुख उपजतु है बबला मरत भरम हो जाए। और तिरिया मर गए घर बिगड़त हुए भैया मरत देश छुट जाए। और सुनिया हकीकत रखे तन की मकरन छोड़ दई डिडकार। मेरो खास कन्हैया मैया वालो मारो तो आज बना फरलाली। आभा बोली महादेव की मोती मल के राजकुमारी। सुख किया निदिया में सोबत देखा एक तुमने दो तो जगाए तब मकरंद बोले शंकर जीते भूला पन्या पर तुम्हारी। सजू भैया मैया वालो जूझो समरभ में मैदानी। हम कैसे जीते महुबे वाले नो भोला साची दियो बताए। तब ही शंकर बोलन लागे बेटा सुन ले अर्ज हमारी। और लड़े न जीतो तुम याल हाथ चाहे सात साकिलो जाओ। और बेशक फुलबाऊ दल ब्यावे बेटा पैया लगो हमारी। हम भी सबार तो जिंदा करें बाई खेतन के मैदानी। और जा दिन लड़बे इंदलिया बे तब न पर है पेश हमारे। फिर बुते हमारे किए नाई है तेरे कहे दे तहे जाए। ऐ सुन सुन बातें शंकर जी की ये कदम पिंडी लई उखारी। और सो अब फेंक दई खंदक में तुम सब सीरो देह कमझारी। और होन हार सो हमको हुई है सत के बीच श्री भगवान। और फौजे सज गई मकरंदी की पहुंचे समर खेत में जारी। और जूझ को डंका मकरंदी ने अब खेतन में दो बजाए। और लाखन राना करमज बाले अग्नि वंश के बे चौहानी। संग बांध लई तलवार। और जाए घेर लो मकरंदी को छपका बजर लगी तलवार।
मित्र उदल के लागे लव मकरंद को शीश उतारे और कट के शीश गिरो धरनी पे जोरो हाल दिगंबर क्यारे और एकदम गर्जो है होदा में लव चोड़ा ने शीश उतारे और झूलक नीचे डुकरा छिपरो फिर के शीश दाव तो लहरा जिंदा हुई गौ जब मकरंदी फिर के जबर दई ललकारी और ताहर बेटा पृथ्वीराज के कस के जबर दई ललकारी और एक बेर के धर के झपटो लव मकरंद को शीश उतारी और कट के शीश गिरो धरनी पे जोरो हाल दिगंबर क्यारी तले सब उंगली दाबे धन धन मकरंद से उतारे और तीन बेर जू मरो खेत में कैसे जिंदा दो बनाए और मानुस सो तो मानुस लड़िए को भूतन सो करे तलवार और पांच बेर जा शीशो जा काटो मकरंद खेत गिरा तू भैरा और छक्का छूट गए ज्वानन के हिम्मत काम देती है नाय और पैरों खड़ गए महुबे बालिन के ले लेके भजत पिनार इत पिलो खाइया मकरंद ठाकुर लंबी जबर दे तललकार और लाख निराना चोड़ा धांधू ताहर के दिलाए करवाए और तुरंत भेज दे गणतर बरको सो भक्ति में दे डराए खबरें पर गई मंडली को के बिगड़ो दुखे तो हमारे और सिर सावारो बीर मलहारो एकदम बांध लई तलवार और मकरंदी के जाए मोहरा पे अपनी जबर दई ललकार और किन की मैया ना हर जाए किन ने बांध कनौ जीराए और तब मकरंद कहे होदा में सुन ले सिर सा के सरदार और मेरी मैया ने ना हर जाए मैं नहीं बांध कनौ जीराए और एक बेर के धर के झपटो ना हर सिरसा को मलखाने और कट के शीश गिरो धरनी पे चोरो फेर दिगंबर क्या और खेत में पानी मलखे ठाकुर के होई गौ तो खेत में जाई और पांच बेर जा शीश को काटो ना हर और जोरो हाल शीश शंकर ने मर दो सुनियो अर्ज हमारी और पाना जीता से लसनीचर सो मकरन ने लो दो ठारी और कस के बान लगो मलखे के धरनी गिरे तमारो खारी लिखे बन गए रन खेतन में फौजे और दियो पठवारी और ऐसी बानी तो खकिसानी सूखी गई थी कलेजा खारी और चढ़ गो जो सरोस भरियाओ उंगल उठो भरा रखारी और धर दो बाना सब दूला को को कंकन लाओ समारी और बाज बेंदुला को सजवाओ लोहरे देश राज के लाले और जहां पे मुरचा मकरंदी को उदल जबर दई ललकारी और कहां पे नाहर है मकरंदी अपनी सकल दिखावे आरी बघेलो राही और रन को कंकन हाथ में देखो मकरन हाल लो पहचानी
जितनी मकरन कर लो ना फिर स्वर्ग बैठ पछताओ। और जितनी मारे मकरंदी की काटी दे सराज के लाल। और एक बेर के धर के झपटो धड़ से ले गो शीश उतार। और कट के शीश गिरो धरनी पे चोरो फेर दिगंबर क्यारे। और एकदम घर जो है होदा में उंगल को जदई ललकार। और फिर गर्दना ना हर कैसो गर जो देव कुमर को लाल। और दांती पीस के तेगा मारो एकदम शीश गिरत बहराए। और पांच बेर जा शीश को काटो जोरो हाल दिगंबर राय। पर धन धन ठाकुर यो मकरंदी तो सम सूरय और कोई ना है। और पान अजीता लो मकरंदी और उजल पैदो चलाई। पे उदल गिरत धरन भेराई। और मकरंद सोचे मन अपने में के जाए के दिले करवाई। पर घोड़ा बेंदुला चक्कर काटे पास नया बे बघेलो राई। और डर के मारे मकरंदी ने सबरी फौजी दई लौटारी। इधर मेरे नौजवान साथियों जैसे ही उदल बेहोश हुए हैं इधर ढेवा भागकर महोबे में पहुंचा है। और वहां से जब इंदल को लेकर ये चला है, इंदल जब नरवर में आए हैं तो हुआ क्या नौजवानों? लड़ रहे समर खेत में जाए उदल छैया दिबला बालो फिर मकरंद को दो तो मरवाए। नौजवानों एक बार ही नहीं उदल और ढेबा ने पांच बार मकरंद को फिर युद्ध में मृत घोषित कर दिया, लेकिन शंकर जी ने उन्हें फिर जिंदा कर दिया। और यह नाटक राम शरण जी इंदल ने देख लिया। इंदल ने क्या किया? और इंदल गरजता शंकर जी पे टुकरा दी है जाने सोमार। भजे दिगंबर रन खेतन ते इंदल उनके पर तपिछारी। नौजवानों इधर इंदल को युद्ध के मैदान में आता हुआ देखकर शंकर जी युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं। इंदल ने मकरंद को कैद कर लिया। इंदल ने जवाब दिया, चाचा जी तुम मकरंद को कैद करके नरवर में लाओ और तब तक मैं जाकर महोबे के जितने जवान है उन्हें कैद से वापस बाहर निकालू। इधर तो मकरंद को लेकर चले हैं, उधर इंदल ने रानी फुलबा के अट्टा पर जाकर क्या किया? फुलबा रानी के रे अट्टा पे इंदल चरण छुए भैराए। और हम है बेटा मंडली कते चाची पन्या पड़े तुम्हारी। और कौन से दाहक महुबे चाची हमें दियो बतलाए। और किले पिछारू चुंगिल दाहक सब फुलबा ने दो बताए। मेरे नौजवान साथियों इधर जैसे इंदल उस दाहक पर पहुंचा है, पहरेदारों को युद्ध में परास्त करके इसने महोबे वाले जवानों को कैद से वापिस निकाल लिया। तब राजा मोतीमल से ये शर्तें तय हो गईं कि हम अब फुलबा की शादी उदल के साथ कर देंगे, लेकिन माहिल ने उसमें कपट की खटाई डाल दी। इधर तो ये लोग दरवाजा करने के लिए चले हैं, माहिल ने जवाब दिया लड़े तुम जीत नहीं पाओगे बना फरोसे, इसलिए मोतीमल दरवाजे पर बिछोना के नीचे बारूद बिछाए दो। और लोग जैसे ही बराती आए ढेवा कान लगो मलिकान बैठी हो मतने हड्डी को सुरमा बनो घरों। क्यों भारी सकुनिया ढेबा ठाकुर भारी उरही को सरदार। और बिछी जब बारूद है जा नीचे मलिखे मरो बिरानी मौनी। और भर भर कलसा मलिखे ठाकुर और द्वारे पे रहे ते दरवाज। तब मोती मलियो बोलन लागो नाहर सिरसा के सरदारी। है कुलरीत मेरे द्वारे पे के बारूद दे बिछवाई।
बरता पे बरायती सब बैठा रे तब हम दिए भमरिया डारी। मलखे ने जवाब दिया, ठाकुर साहब मेरी बात सुन ले, और जे रीत परमाल भूप की हम तुम्हें सांची दी है बताई, और करण बिहा को जब जावत है द्वार पे कीच देत करवाई। और माहिल पहुंचे मोती मल ते कान में दई जब बात सुनाए, और लड़े न जी तो बना फरन से चुपका दे भमरिया डारी। मोती मल ने तब आंगन में और मंडप कुदाओ तो गढ़वाई, और भाई लड़ाई ती मढ़े ते भामर भामर पे तलवारी। खून की धारी और डोली लेके फुलबा बत की महवे को खूचदो करवाई, और राम सरल गोने को लेके घड़ा पे मंद मंद मुस्क्याए। अजीज बाबू मित्र हमारो ढोलक मधुर मधुर चटकाए, हीरा सिंह मधाऊ बालू रो घोरू पे ताल उड़ाई। और पहली तिवारी ने आज मजीरा मीठे मंद मंद मुसकिया, अबिला को भैया कुरावली के कैसे तो सुंदर रहे दरसाई। चेतन की आल हाथों और कैसे तो मिलाओ दरसाई, महाराज सुनाई सब आला भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर। महाराज शिष्य आधार चेतन के खास, मेरा छोटो सो एक गांव मधीपुर है पेड़त के पास। महाराज ध्यान मेरे